बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में बहुत कम समय में ही शोहरत हासिल कर ली थी। हालांकि कई एक्ट्रेस नेम फेम कमाने के बाद भी इंडस्ट्री से गुमनाम हो गई। आज हम ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताएंगे जो रातों रात सेंसेशन बन गई थी, लेकिन फिर अचानक यह हसीना इंडस्ट्री से गायब हो गई। आखिर इस एक्ट्रेस के गुमनाम होने की क्या वजह थी, आइए जानते हैं। हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि जैस्मीन धुन्ना है। जैस्मीन ने मात्र 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने साल 1979 में विनोद खन्ना स्टारर फिल्म सरकारी मेहमान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म डिवोर्स के रिलीज होने तक उन्होंने मॉडलिंग की। साल 1988 में उन्होंने रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म वीराना में एक खूबसूरत चुड़ैल की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में सतीश शाह, गुलशन ग्रोवर, विजेंद्र खटगे, विजय अरोड़ा और राजेंद्र नाथ जैसे स्टार्स ने भी काम किया था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस एक फिल्म से जैस्मीन रातों रात स्टार बन गई थी। हालांकि फिर अचानक उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी और इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक वीराना के बाद जैस्मीन दुनिया भर में काफी फेमस हो गई थी। उनकी ये पॉपुलैरिटी उनकी दुश्मन बन गई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम वीराना देखने के बाद जैस्मीन पर मर मिटा था। वह एक्ट्रेस के साथ रोमांस करना चाहता था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दाऊद के आदमी अक्सर जैस्मीन का पीछा करते थे, जिसके चलते जैस्मीन इंडस्ट्री से गायब हो गई। बताया जाता है कि वीराना की रिलीज के कुछ महीनों बाद ही एक्ट्रेस अंडरग्राउंड हो गई थी और तब से वह लापता है। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साल 1988 के बाद एक्ट्रेस ने क्या किया और अब वह कहाँ है। साल 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में रामसे ब्रदर्स के श्याम रामसे ने बताया था कि जैस्मीन अभी भी मुंबई में रहती है और अपनी माँ के निधन के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। उनकी फिल्म के बाद की जिंदगी बॉलीवुड के अनसुलझे रहस्यों में से एक रही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।